आई, क्या मैं मर जाऊंगा? कुछ नहीं होगा बालक तुझे, तेरे पापा गए हैं ना, पैसे लेकर आएंगे और हम तेरा अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएंगे। नहीं आई, तुम मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, मैं नहीं हूँ वहाँ, देखकर आखिर तेरे पापा आए कि नहीं। पैसे लाए कि नहीं? नहीं लाए। क्यों? क्योंकि ठेकेदार कहता है कि उसने कोई दान धर्म का ठेका नहीं लेके रखा है, और ये अमीर लोग दान धर्म की नौटंकी तभी करते हैं जब उनका कोई फायदा हो या किसी को दिखाना हो। पर क्या आज उधर कोई फोटो खींचने वाला था ही नहीं, तो गरीब किसान की मदद क्यों करेगा? ऊपर वाला सब देखता है, इसीलिए तो उसके पास पैसा बहुत है लेकिन मन की शांति नहीं है। गरीबों का खून चूसकर महल बनाने वाले ऐसे ठेकेदारों के जीवन में कीड़े पड़े। बाला का बुखार कम नहीं हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ तो करो। क्या करूं? चोरी करूं या डाका डालूं? हम गरीब को वो भी नहीं आता है। रात दिन हम खेती में पसीना बहा के फसल पैदा करते हैं, और ठेकेदार उसका मूल दर देने के लिए भी तैयार नहीं है। 3 रुपये कांदा हमसे लेते हैं और बाजार में 80 रुपये किलो बेचते हैं। सब जानते हैं लेकिन कोई किसी को पकड़ता नहीं है, क्योंकि सबको अपना अपना हिस्सा मिल ही जाता है ना। बस एक गरीब किसान को ही कुछ नहीं मिलता है। बाबा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब क्या करेंगे हम? अब एक ही रास्ता बचा है, हमें हमारी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। पर कोई चारा भी तो नहीं है। कुछ भी करो पर जल्दी करो। बाला, बाला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे मास्टर जी, आइए आइए। 2 दिन से बाला स्कूल नहीं आया, वही पूछताछ करने आया हूँ। नमस्कार गुरुजी। अरे बाला, क्या हो गया इसे? 2 दिन से इसे बुखार है। सरकारी अस्पताल दिखाया तो उन्होंने कहा बड़े दवा खाने ले जाओ, पर बड़े दवा खाने में बिना पैसों के वो लोग इलाज शुरू करने को भी तैयार नहीं है। इसे तो बहुत तेज बुखार है, पर घबराओ मत, मेरा एक दोस्त है, वो आप लोगों की मदद कर देगा। मेरी बात हो गई है, 10 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगा। लेकिन मास्टर जी, हमारे पास पैसे नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो। कैसे मैं आपका धन्यवाद करूं मास्टर जी? अरे धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए आप जैसे किसानों का, क्योंकि आप लोग के कारण ही तो हम सबका पेट भर रहा है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज उसी किसान को भूखा सोना पड़ रहा है। मास्टर जी, मैं मेरे बेटे को बहुत पढ़ाऊंगा, उसे आपके जैसा मास्टर जी बनाऊंगा, लेकिन उसको किसान कभी नहीं बनाऊंगा। ऐसी गलती मत करना। हाँ, मुझे पता है कि अभी किसानों का दौर अच्छा नहीं चल रहा है। एक तरफ कुदरत की मार और दूसरी तरफ हमारा सिस्टम, ये दोनों ही किसानों की जान ले रही है। किंतु ये किसानों तक सीमित नहीं है, हम मास्टर भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। पुलिस, डॉक्टर, सेना, सब कोई ना कोई परेशानी में जूझ रहा है, और इन सब का मूल कारण है भ्रष्टाचार, काला बाजार। सरकार इसे लड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, पर अकेले सरकार इसे नहीं जीत सकती। इससे जीतने के लिए हम सबको साथ होना पड़ेगा। किससे लड़े मास्टर जी? बिना पैसे के दफ्तरों में कागज भी नहीं हिलता। अपना पैसा निकालने के लिए भी साहब लोगों को हिस्सा देना पड़ता है। मुझे नहीं लगता
कि इस देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा कभी। आपकी बात मैं मानता हूँ, पर याद रखो कि वक्त हमेशा बदलता है और एक दिन यह बुरा वक्त भी बदलेगा। हमें बाला और आने वाली पीढ़ी के लिए इस भ्रष्टाचार को खत्म करना ही होगा। हमें हाथ में हाथ रखे ऐसे नहीं बैठ सकते और सिर्फ बातचीत करने से कुछ नहीं होगा। हम सबको एकजुट होकर इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। मास्टर जी, क्या आपको सच में लगता है हम इस भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं? मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि एक न एक दिन हम इस भ्रष्टाचार को अपने देश से उखाड़ फेंकेंगे। हम अकेले नहीं हैं। इस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कई लोग, विभाग, सरकार सब लड़ रहे हैं, पर अपने अपने तरीके से। अब समय आ गया है इन सब शक्तियों को एकजुट होकर लड़ना होगा। बाला, एक अनेक वाली कविता याद है ना तुम्हें? हाँ मास्टर जी, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, एक गिलहरी अनेक गिलहरी। बस बस बस, इस कविता की आखिरी चार लाइन क्या है? सब एक हो गए तो बन गई ताकत और बन गई हिम्मत, हिंद देश के निवासी सभी एक है, रंग रूप वेश भाषा भले ही अनेक है। शाबाश बाला, जब हम मिलकर एकजुट होकर इस भ्रष्टाचार रूपी रावण से लड़ेंगे तो इस रावण का भी दहन हो जाएगा। मास्टर जी, हम समझ गए। हम भी हमारे बाला के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए इस लड़ाई में आपके साथ हैं। हाँ मास्टर जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। हमें लगता था कि कालाबाजारी से कोई नहीं जीत सकता, किंतु अब ऐसा लगता है कि एक नया सूरज जरूर आएगा। लो, एम्बुलेंस भी आ गया। बाला, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? चलो बाला, तुम्हारे लिए एक नया सवेरा इंतजार कर रहा है।